आज लालू यादव से मुलाकात का दिन था। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव कमर आलम, झारखंड आरजेडी के प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव और बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी ने लालू यादव से मुलाकात की। शनिवार को एक बार फिर रिम्स में लालू यादव ने तीनों नेताओं से मुलाकात की। आज लालू से मुलाकात का दिन था, लिहाजा आरजेडी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव कमर आलम, पूर्व सांसद और झारखंड आरजेडी के प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव और बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी ने लालू यादव से रिम्स जाकर मुलाकात की। झारखंड आरजेडी के प्रभारी जयप्रकाश यादव ने कहा कि लालू यादव का शुगर का लेवल हमेशा बड़ा रहता है, इसका असर उनकी किडनी पर पड़ रहा है। लालू के स्वास्थ्य को लेकर पूरे देश के लोग चिंतित हैं। उनका सेहत शुगर का लेवल हमेशा बढ़ा रहता है, जिसका असर उनके किडनी पर भारी जो है पड़ा है। वही लालू यादव की सेहत की चिंता बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने भी जाहिर की। वहीं आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव कमर आलम ने भी लालू की सेहत पर चिंता जाहिर की है। अब झारखंड प्रदेश के कार्यकारिणी की बैठक में तमाम मसलों पर बातचीत होगी। पूरा राज, देश, दुनिया जिस तरह से उनके सेहत के बारे में छप रही है, उससे हम लोग सब चिंतित हैं। इसलिए हम लोग कोई राजनीतिक बात नहीं किया। एकदम खुश हैं, मुलाकात हमारी होते रहता है, मुलाकात करते रहते हैं। हम लोग तो झारखंड में रहते हैं, रांची में रहते हैं, उनके हरदम दुख सुख में है ही। भले ही लालू यादव से मुलाकात कर लौटे नेता लालू यादव की सेहत को लेकर चिंतित हो, लेकिन लालू का इलाज कर रहे डॉक्टर डीके झा ने बताया कि लालू यादव की सेहत स्टेबल है। ठीक है, मरीज स्टेबल है और ब्लड प्रेशर शुगर नियंत्रण में है, सब ठीक चल रहा है, कोई नई बात ऐसी तो नहीं हुई है। जेल मैनुअल के हिसाब से हर शनिवार लालू यादव से तीन लोग मुलाकात कर सकते हैं। हर शनिवार रिम्स में लालू के दर नेताओं की हाजिरी लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।